ग्रेविटेशंस में लगभग 2 क्लास हो चुके हैं। आज की क्लास में पढ़ते हैं इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है माही बताओ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये तो एग्जाम न्यूटन्स थर्ड लॉ आ रहा है, इसके याद है क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स का? तो थर्ड लॉ क्या कहलाता सर, एक्शन एंड रिएक्शन। हाँ, एवरी एक्शन के अपोजिट रिएक्शंस होगा, दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो बेसिकली अपन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज क्या कहाँ कर रहे हैं, ग्रेविटेशन में यूज कर रहे हैं। मतलब न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन के अपोजिट रिएक्शंस होगा। और ग्रेविटी जैसे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो जिस फोर्स से नीचे की तरफ आ रहा है अर्थ भी उसको उसी फोर्स से अपनी तरफ इसको खींचेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। मतलब जिस फोर्स से ऊपर से नीचे आएगा उसी तरह इस फोर्स से वो नीचे की तरफ होगा। मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ आर होल्ड फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब न्यूटन थर्ड लॉ जो है ग्रेविटी के लिए भी अप्लीकेबल है। वही चीज है कि इफ द स्टोन आल्सो एग्जर्ट्स, अब कोई भी स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ गिरा तो स्टोन आल्सो एग्जर्ट्स एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई स्टोन ऊपर से गिर रहा है तो अर्थ ही ऊपर की तरफ चला जाए स्टोन को अपने तरफ लाने के लिए, नहीं। अर्थ तो अपने फोर्स से गिर ही रहा है, आपको अर्थ भी अपनी जगह पर ही रह के उसी फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को यानी उस स्टोन को अपनी तरफ खींचेगा। क्या होता है, न्यूटन्स फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो अगर अगर मैं इस स्टेटमेंट का यूज करूं, अगर मास ऑफ अगर बहुत छोटा स्टोन, मतलब मास ऑफ स्टोन इज वेरी स्मॉल, अगर मास स्टोन का मास अगर बहुत छोटा मास हो, मतलब ये एम स्मॉल हो, एम स्मॉल होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस पे मतलब स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन ज्यादा अप्लाई होगा ड्यू टू ग्रेविटेशन, क्योंकि ये क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन है जो मास का। तो ड्यू टू विच द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूसेस अ लार्ज एक्सेलरेशन, लार्ज एक्सेलरेशन इन इट, माने अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कंसेप्ट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और वही चीज है, अगर मास ऑफ स्टोन इज वेरी लार्ज, अगर स्टोन का मास बहुत ज्यादा हो तो मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, लेस एक्सेलरेशन, क्योंकि ज्यादा मास होगा तो लेस एक्सेलरेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आए। और बेसिकली एक्सेलरेशन कितना अप्लाई होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें एक कंसेप्ट है आपका फ्री फॉल। तो फ्री फॉल मतलब फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल
के कारण जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ आता है मतलब विदाउट फोर्स लगाए हुए दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल करते हैं। मैं लिख देता हूं इसमें द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी बोले बॉडी बोले या ऑब्जेक्ट बोले ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसको अपन फ्री फॉल बोलते हैं। जैसे फ्री फॉल का एग्जांपल्स क्या हो सकता है, अगर मैं एक फ्री फॉल के एग्जांपल की बात करूं तो जैसे बंगी जंपर इज ए फॉलिंग डाउन ओनली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज द एग्जांपल्स ऑफ। या आप वो भी जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा का मीनार जो इटली में है, दिस इज आल्सो उस पर से अगर कोई स्टोन को फेंको तो भी दिस इज द आल्सो एग्जांपल्स ऑफ फ्री फॉल का एग्जांपल्स है लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कि इटली में है ना। पीसा पर से अगर कोई भी स्टोन्स अगर टू स्टोन्स को अलग अलग मासेस के दो स्टोन्स को अगर इस मीनार से अगर आप ड्रॉप करो लीनिंग टावर ऑफ पीसा तो दे हिट ग्राउंड एट द सेम टाइम। दोनों ग्राउंड अलग अलग एक किलो का ले लो टू किलो का ले या एक किलो का एक फाइव किलो का दोनों को एक साथ छोड़ो तो डिफरेंट मासेस होने के बावजूद भी दे हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पे ही ग्राउंड को हिट करेंगे। ये क्या शो करेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सेलरेशन कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करता। अब देखो नेक्स्ट है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज जी की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अर्थ जिस एक्सेलरेशन से या जिस फोर्स से अपनी कोई बॉडी को अपनी अट्रैक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या लिख सकते हैं व्हेन एंड ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन इट बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो क्या लिख सकते हैं कि द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द due to the gravitational force of the earth is known as acceleration
ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब रिलीफ फॉलिंग बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो रिलीफ फॉलिंग बॉडी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ आ रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अ स्मॉल जी से, और अ स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू होता है कॉन्स्टेंट, इसको याद रखना। अब कैसे जी की वैल्यू 9.8 आया, उसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स जी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कोई भी बॉडी आप ड्रॉप करो पार्टिकुलर हाइट से, इफ बी ड्रॉप अ बॉडी, है ना, कोई बॉडी ड्रॉप किया ऑफ मास एम, एम मास का बॉडी ड्रॉप किया फ्रॉम ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ मास एम, अर्थ का मास आपको एम दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू इंटू एम इंटू एम आर स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट। और क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, दिस इज सेकंड। अब जो ऊपर आपने फोर्स निकाला ना, उसकी वैल्यू सेकंड में पुट अप कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स का जी एम एम बाय आर स्क्वायर यहां पुट कर देते हैं, दिस इज जी एम एम आर स्क्वायर एम। तो ये क्या हो गया आपका, एम से एम कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका, जी एम बाय आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन से आ गया आपका जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जी तो मालूम है आपको ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम तो मैंने यहां लिख दिया है मास ऑफ द अर्थ, और आर भी लिख दिया, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो सबकी वैल्यू रख देंगे तो एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर देंगे, जी से रिप्लेस कर देंगे। तो जी इक्वल टू जी की वैल्यू रखो, दिस इज जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और मास ऑफ द अर्थ होगा 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और आर की वैल्यू हो जाएगी रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका जी का डेरिवेशन हुआ कि जी की वैल्यू, ऐसे तो याद रखते हैं कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे होता है, ये मैंने आपको यहां से आया समझ में माही, ये जी की वैल्यू कैसे आया, ये तो जी की वैल्यू हो गई और एक तरह से फॉर्मूला भी हो गया आपका जी की जी एम बाय आर स्क्वायर। अब इसके बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून. ठीक है, सरफेस, मून के सरफेस पे अपने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको फाइंड आउट करना हो. क्या क्या गिवेन है? मास ऑफ मून आपका दिया हुआ है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम. रेडियस ऑफ मून दे रखा है 1740 किलोमीटर और कैपिटल जी की वैल्यू दे रखा है 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. इसको अपन सॉल्व करते हैं. सिंपल क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला लगा दें, जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर. रख दे सारी वैल्यूज, जी इक्वल टू कैपिटल जी तो दे रखा है 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -11, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट ऐसा ही है. मास कहाँ गया, या देखा किलोग्राम में दे रखा है 7.4 इंटू 10 टू दी पावर 22, तो 7.4 इंटू 10 टू दी पावर 22. अब आ जाओ रेडियस ऑफ द मून, ये किस में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है, किसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1740 मीटर और एक किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, इसका स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ग्रेविटेशन का आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब तो मून पर की ग्रेविटी इतनी होती है और आपका अर्थ पर का कितना होता है 9.8. अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा होती है मून के कंपेरिजन्स, मून के कंपेरिजन्स में मून की बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, बहुत कम ग्रेविटी होती है मून पर. इसलिए कोई भी मून पे जब जाता है तो वो मून के सरफेस पे टिक नहीं पाएगा, इसके लिए स्पेशल स्पेशल ड्रेस होते हैं ताकि वो चल पाए आपको.